के फूसगढ़ रोड पर लकड़ी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग लग जाने से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सार्वजनी में एक डिजायर गाड़ी भी बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह 4 बजे के करीब यहां पर लकड़ी के गोदाम में आग लग गई थी, जिसकी लपटों में काफी सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी तरह की जान की हानि नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि करनाल के फूसगढ़ रोड पर लकड़ी के गोदाम में भयंकर आग लग जाने से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें गोदाम के अंदर रखा हुआ फर्नीचर व लकड़ी का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हाँ सर, क्या पता लगा आपको, क्या खबर मिली? हमारे पास जो दमकल विभाग का कार्यालय है, लगभग 4 बजे करीब यहाँ से कॉल गई, भाई लकड़ी गोदाम आग है, और हमारी जो फायर की टीम है वो मौके पर पहुँची बड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि कंजस्टेड एरिया था, रास्ता एक तरफ से था, तो इधर से आग है और आग पर काबू पाया और अब आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई। सर, कहाँ पर पड़ता है और गोदाम किस चीज़ का है? उसके रोड पर लकड़ी का है। तो काफ़ी आग लगी थी? हाँ, आग बहुत भयंकर थी, जिसको हमारे जो कर्मचारी हैं बड़ी मेहनत के साथ और लगने के साथ इसको आग पर काबू पाया। तो कितनी गाड़ियाँ पहुँची थी? हमारी 4 गाड़ियाँ आई सर, 4 गाड़ी आई और सभी लड़कों ने बड़ी मेहनत से, और हम तो ये कहेंगे हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बढ़िया दुकान के जो गोदाम के मालिक हैं उन्होंने साथ में, लड़कियाँ ने साथ में, लगकर पड़ोसी हैं जिनके, बढ़िया ढंग से कोऑपरेट किया और हमने आग पर बढ़िया ढंग से काबू। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अजय विजय शर्मा, ड्राइवर फायर ब्रिगेड। सर, कैसे पता लगा आपको आग लग? पड़ोसी ने बताया हमारे घर आके, भाई आग लग चुकी है, तो फिर हम आए यहाँ पर, हमने आके देखा आग बहुत तेज चलने लगी हुई थी। आपकी दुकान साथ में है? हाँ जी। नुकसान तो नहीं हुआ कुछ? नुकसान बस थोड़ी फिटिंग वेटिंग चल गया, पीओपी गिर गया थोड़ा सा, बाकी सामान हमने टाइम से हटा लिया था। किस वक्त की घटना है? 3:50। 3:50 को उसी टाइम फायर ब्रिगेड की गाड़ी? हाँ जी, उसी टाइम आ गई 4:20 पे। तो कितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं मौके पर? गाड़ियाँ तो 10-12 आ गई थी। कर लिया गया है, काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, काबू पा लिया। आपका नुकसान कितने तक का नुकसान हो सकता है? नुकसान तो अभी बाद में पता चलेगा जी कितना हुआ, अभी तो आग पे ही काबू पाया। लेबर के भी सोते हैं यहाँ पे? हाँ जी, 2 लेबर सोते हैं। उनका नुकसान तो कुछ डर नहीं, बच गए नुकसान नहीं। फायर ब्रिगेड सब लेबर पहुँच चुका था? हाँ जी। क्या नाम है आपका? करमवीर। धन्यवाद। कैसे पता लगा आपको आग लगने का? सर, हम लोग यहाँ पर पानी का जो दमकल आया ना, उसके बाद है सो हम लोग है सो कमरा खोल करके हम बाहर, हम लोग सभी आदमी निकले, उसके बाद आ कर करके फिर हम लोग जहाँ तक जो मदद हुआ हम पानी से इधर से उधर से भाग करके किए। पड़ोस में रहते हो? हम पड़ोस बिल्कुल साथ है, पड़ोस में है जी। कितने नुकसान हो सकते हैं लगभग? 1 करोड़ का रुपया कम से कम नुकसान होगा जी। बहुत चौकट के बारे ऊपर में बना के रखा था। कुछ कारण पता लगा है, क्या कारण हो सकता है आग लगने का? पता है तो राम जाने जी, अब पता नहीं बिजली से लगा कि बीड़ी सिगरेट पिया, कैसे हुआ तो भगवान जाने, ये तो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं ना। किस वक्त की घटना है ये? 4 बजे से शुरुआत हुआ है, 4:30 बजे से आग बुझा ली गई है। हाँ, बाकी गाड़ी ना उसी टाइम से तो फोन किया पड़ोसी, ये बुढ़िया खड़ा था, तो उसके बाद फिर गाड़ी आना शुरू हो गया। कितनी गाड़ी है ये? करीब 4-5 गाड़ी आ गया है जी, आग बुझा ली गई। हाँ जी। आस पड़ोस में भी किसी का नुकसान तो नहीं हुआ था? नहीं जी, फिर बस इन्हीं का लकड़ी का बस नुकसान हुआ है। लकड़ी का? हाँ जी। यहाँ पे कोई रहता भी है रात के समय में? हाँ, 2 बंदे रहते थे इनका जो रखते थे। हाँ जी, हाँ जी। जान का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, बस जान बच गया, कुछ बचा भी हो गया, यही बेचारा को बहुत भगवान को मेहरबानी से हुआ ये सब। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पासवान। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।